जब पतंग के बारे में सोचते हैं मुझे हमेशा और माया को हमेशा डोर भी दिखाई देती है। की पतंगों में सपनों के धागे कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। इस फिल्म में ये दोनों प्रतीक जो हैं पतंग और डोर बहुत अहम हैं। की पतंगों में सपनों के धागे कुछ। इसकी अपनी एक जर्नी है माया की, वो भी अपने कोशिश कर रही है अपनी उड़ान भरने की, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, वो एक किताब लिख रही है, लेकिन अमाया के जीवन में एक डोर भी है जो कि उसको बहुत ज्यादा ढील भी नहीं देती है कि वो और उड़ पाए। खुला आसमां है, मुझे लगता है कि यही वो डोर है जिसकी पेंच उसकी मदर और जयंत के पतंग से लड़ जाती है। लेकिन अब उसको इस समझौते से अपने आप को वाकिफ कराना है कि उसी आसमान में कई और पतंगे भी होती हैं और कई पेच भी लड़ सकते हैं। पतंग और डोर, ये पूरी जो फिलॉसफी है ये लिसन अमाया में बहुत अहम है।